अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ GTA 5। तो भाई कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो भाई अभी यार मैंने डॉक्स पे ज़रा कॉल करके पूछा है, तो वो कह रहे हैं कि आज आपकी शिपमेंट पहुँच गई है। तो बस चलो अभी यार जाके एक बार जिमी को बोलूँ रेडी हो जाए, तो उसको ना यार फिर आज साथ लेके जाता हूँ। ओहो ये देखो यार गमला नीचे गिर गया है। असल में ना यार ये लाइट वेट प्लांट्स हैं, तो इस वजह से जब हल्की सी हवा चलती है ना तो फिर यार ये नीचे गिर जाता है। चलो खैर यार मैंने इसे सीधा तो कर दिया, अब ज़रा जाके देखूँ यार जिमी किधर है। एक तो उसके यार अपने ड्रामे होते हैं ना सुबह सुबह, अब देखता हूँ। अभी तो मैं यार उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेके जाऊँगा क्योंकि और भी काम ऐसे कराता नहीं है। तो अभी निकलते हैं बस यार, टाइम तो काफ़ी हो गया। वैसे मेरे ख्याल से गया तो घर ही यार, गया नहीं। हाँ गाड़ी तो यार इधर ही खड़ी है इसके सामने। ओए ये क्या कर रहा है यार, गाड़ी उस सामने रास्ते में लगाई हुई है। यार इसको जा के देखूँ, हर अजीब काम वैसे इसका ही है। जिमी ये क्या कर रहे हो? जी बाबा मैं बोल नहीं सकता, एक मिनट। ये बोल नहीं सकते तो क्या कर रहे हो? पापा साइड पे हो ना, फोटो ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा यार ये देखो इसका यहाँ फोटोशूट चल रहा है। जिमी यार जल्दी करो ना यार, शिपमेंट लेने जाना है। अच्छा अच्छा पापा जा रहे हैं। और ये स्टैंड किससे पूछ के लाए हो? पापा स्टैंड मैं खुद लेके आया हूँ। यार जिमी तुम्हें मना किया यार, ये स्टैंड इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसको ऊपर वापस रख के आओ। अच्छा अच्छा पापा बस फोटोज ले लूँ ना, सारा मूड आप ख़राब कर देते हैं सुबह सुबह। अच्छा छोड़े पापा, आप भी आए, आपके साथ एक फ़ोटो लेता हूँ ना। नहीं मैंने नहीं लेनी यार जिमी, जल्दी मुकाओ यार इसे। अच्छा पापा ले लेना प्लीज़ एक फ़ोटो। पापा लो यार जल्दी करो। अच्छा एक मिनट पापा, मैं जरा उसको दोबारा एक दफ़ा लेके आता हूँ। यार जल्दी करो जिमी। जी जी पापा एक मिनट एक मिनट। एक तो पापा यार ऊपर से आ गए, इतनी अच्छी मैं फ़ोटोज ले रहा था। एक मिनट यार इसका मोड लगाऊँ ना, जरा टाइमर लगाऊँ। चलो जल्दी से जाके खड़ा होता हूँ। बस पापा 10 सेकंड का टाइमर लगाया है, अभी बस फ़ोटो ले लेगा फिर वो। अच्छा ठीक है पापा, ये शॉट आगे खड़े हो ना। बस ठीक हूँ। हाँ जी पापा, बस पापा स्माइल करें कोई। कर रहा हूँ यार जिमी स्माइल है बस। जी जी पापा बस एक मिनट, लेने लगाया वो फ़ोटो, देखें फ्लैश बजाया। ले लिए पापा वो, देखें ले लिया, बस साइड पे हो जाऊँ। जी जी पापा मैं एक मिनट देखता हूँ। यार जिमी ड्रामे है यार अजीब, देखो। जी जी पापा ले लिए, चेक करें कितनी प्यारी फ़ोटो है। यार जिमी छोड़ो, अब जाओ ऊपर स्टैंड छोड़ के आओ, ठीक है? कैमरा भी रख के आओ और नीचे। जी जी पापा मैं आ रहा हूँ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। जी जी पापा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो यार इसके भी अजीब काम है। खैर यार गाड़ी आप लोग चेक करो, क्या कमाल यार वैसे ही है। इसने अख्तर ने गाड़ी मॉडिफाई करके दी है, कसम से यार इस गाड़ी पर मेरा दिल आ गया। मैं तो अब LX570 निकालता ही नहीं हूँ क्योंकि ये भी यार अपनी घर की गाड़ी है, तो एक किस्म की यार ये भी अपनी गाड़ी है मेरी। खैर चलो यार अब जिमी का वेट करता हूँ। तो इसकी भी यार अजीब काम है, देखो फोटोज़ ले रहा है भाई। तुम कोई स्टैंड ले लो, ट्राईपॉड ख़रीद लो, लेकिन क्या बोलूँ यार अब मैं इसे। वो मेरा एक स्टैंड पड़ा हुआ पुराना, एक मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया था, वो उठा के ले आया है। आ गया शुक्र है। बैठो यार जिमी जल्दी। जी जी पापा मैं आ गया हूँ। जिमी रखा है वो स्टैंड ऊपर? जी जी पापा मैं रख आया हूँ। आइंदा मेरे से पूछे बगैर ना यार वो स्टैंड ना उठाना, ठीक है ना? जी जी पापा नहीं उठाऊंगा, लेकिन पापा उसमें क्या है? यार जिमी उसके नंबर प्लेट डिज़ाइंस तुमने देखे हैं? हाँ जी पापा देखे हैं, उस पर पता नहीं वाइस सिटी लिखा हुआ था। हाँ और लाइबर्टी सिटी की प्लेट्स भी पड़ी हैं। हाँ जी पापा है, ये क्या करेंगे इसका? जिमी ये इतनी यूनिक चीज़ है ना, ये पूरे लॉस सैंटोस में नहीं मिलती। अच्छा पापा, हाँ हाँ ये मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी, इसीलिए तो इतना यूनिक ये प्रोडक्ट है। अच्छा पापा मुझे नहीं पता था, वैसे पापा ये लगाए ना कभी गाड़ियों पर? हाँ हाँ गाड़ी पे भी लगाएंगे यार ये, लेकिन ये ज़्यादा ऐसे ना ये डेकोरेशन टाइप है, लेकिन बड़ा अच्छा यार इससे इफेक्ट आता है। मेरे दिल शोरूम पे रख दें या तो। ठीक है पापा शोरूम पे भी रख दें बेशक, या मैं अपने ऑफिस में रख दूँ ना, अच्छा डिज़ाइन लगेगा। क्यों टेबल पे रख दें या तो? पापा क्या बात करते हैं, टेबल पे कैसा लगेगा, आप नज़र ही नहीं आएंगे, स्टैंड इतना बड़ा है। ओए हाँ ये बात भी है जिमी। जी जी पापा उसके काम देखो। पापा ये देखिए आपका रास्ता बंद कर रहा है इधर से, वो भाई साइड पे हो ना, ये क्या कर रहा है? पापा इसको बताएं आज सही रहा आप। ठहरो मैं ज़रा इसको बताता हूँ यार, इसका इलाज मेरे पास है। पापा वो देखिए आप रेस लगा रहे हैं। ठहरो यार इसकी मैं रेस इसको बताता हूँ। आओ आओ अब आओ मेरे साथ। पापा क्या कर रहेगी ये शॉट? ठहरो ना जिमी, पापा रुकेंगे? रुकूंगा नहीं यार जिमी, देखो ना चुप करके, अभी देखना इसका इलाज है मेरे पास। अच्छा अच्छा पापा बस देखते रहो, जितनी इसको भगाने का शौक था ना, इसकी स्पीड मैंने बिल्कुल ज़ीरो पर ले आया हूँ, देखा है? जी जी पापा कितना फिट काम किया वैसे। हाँ ना जिमी ये चेक करो ना, वो कितना स्लो हो गया, अब नहीं कट कर रहा है, इसे पता है पीछे से तेज़ ट्रैफिक आ रही है। जी जी पापा ये बात तो है वैसे। वो देखिए पापा वो बड़ी स्पीड से निकल रहा है साइड से। निकल गया? जी जी पापा निकल गया ना, वो आपको नज़र नहीं आया? नहीं मुझे नहीं नज़र आया, कहाँ से निकला है? बस पापा उसने ऐसी आँशें निकाली है साइड से, किधर है देखते रहना। पापा वो जा रही है देखिए राइट साइड पर। हाँ ये ठहरो ठहरो, बस पापा रोक लें इधर इसको, रोक के क्या कहना यार। वो देखिए पापा कैसी कटिंग कर रहे हैं। हाँ वो देखो मारी भी है मेरे ख्याल से उसने। जी जी पापा मारी है। ठहरो यार सीधा निकल जाते हैं ज़रा, जिमी इसको बताएं ना आज थोड़ा। हाँ जी पापा बताएं, ये समझ रहा है इसकी गाड़ी बहुत तेज़ है बच्चू, मारी गाड़ी अभी तुम्हें पता नहीं है कितनी भागती है।
हाँ ना जिमी, यही तो बात है। वो राइट तो नहीं हो गया? नहीं नहीं पापा, सीधा ही जा रहा है वो, देखिए आगे जा रहा है कैसे कटिंग करते हुए। आप देखो मैं भी यार कटिंग करते हुए जाता हूँ। पापा स्लो स्लो। जिमी ना टेंशन लो यार, तुम मेरे साथ बैठे हुए हो। अच्छा अच्छा पापा ठीक है। वो देखिए पापा, वो आगे सीधा निकल गया। हाँ वो तो यार सीधा निकल जाएगा। खैर छोड़ो यार, हमने इधर से राइट होना है, हमने जो करना था उसके साथ कर लिया। जी जी पापा, यानी उसको इतना पता चल गया कि हमारी गाड़ी भी भागती है, सिर्फ उसकी गाड़ी भागती नहीं है। हाँ ना जिमी, यही तो बात है। इसके काम देखो तो लोग इतना स्लो ड्राइव करते हैं ना। हाँ जी पापा, मुझे भी बड़ी वैसी एलर्जी है इन लोगों से, हॉर्न भी डेटेड और आगे से साइड पे ही नहीं होते। हाँ सही बात है। अच्छा पापा वैसे शिपमेंट कौन सी आई है? जिमी बाइक्स मंगाए ना यार इस दफ़ा। हैं पापा बाइक्स कौन सी? हायाबूसा? नहीं यार जिमी, हायाबूसा नहीं है, वो भी मंगाएंगे। अभी मंगाया यार मैंने होंडा का 125। अच्छा पापा 125? हाँ हाँ, वो जो पाकिस्तानी मॉडल नहीं है? जी जी पापा, वो ब्लैक स्लेंचर वाला जिसका ब्लैक और सिल्वर स्लेंचर होता है। हाँ हाँ बिल्कुल वही। अच्छा पापा वो मंगाया है? हाँ हाँ वो मैंने मंगाए हैं पाकिस्तान से। अच्छा पापा पाकिस्तान से आए हैं? हाँ ना जिमी। वाह पापा, मैंने देखा है पापा फोटोज में, बड़ा प्यारा 125 है वो, जिसकी बुड़ बुड़ कर के आवाज होती है, वही वाला ना? हाँ हाँ जिमी वही वही। अच्छा पापा इधर किधर आ गए? यार जिमी एक मिनट, मैंने इधर अपने फ़ोन में यार पैकेज लगवाना है इधर से, वो शॉप किधर गई है? पापा वो तो पीछे है दूसरी साइड पे। किधर? पापा उधर दूसरी साइड पे है ना, तुम्हें कैसे पता है? पापा पता है, मैं एक दफ़ा आकिब भाई के शार्ट आया था। अच्छा मुझे बताना, मेरे जहन में शायद आगे है। नहीं नहीं पापा वो सामने, वो देखें ग्रीन जहाँ बोर्ड लगा हुआ है। ओए हाँ हाँ जिमी, ये ठहरो यार, चलो आप इधर बाहर ही खड़े हो ना, मैं इधर पैकेज लगवा के आ रहा हूँ। ठीक है जी जी पापा, ठीक है। पापा मैं ड्राइव कर लूँ? यार जिमी अभी मुझे चलाने दो ना। नहीं नहीं पापा प्लीज, मैं चला लूँ। अच्छा चला लो जिमी, चला लो यार। चलो यार पापा तो अंदर चले गए हैं। अरे क्या बात है, आज इसको ड्राइव करता हूँ। वैसे इस गाड़ी की यार एक अपनी लुक है, कमाल गाड़ी है यार, वैसे मज़ा आ गया। चलो पापा यार पैकेज कराए ना, अब फिर यार मैं ही ड्राइव करूँगा। वो देखो पापा आ गए मेरे ख्याल से। हाँ चलो यार पापा आ गए हैं। जी पापा करा लिए पैकेज? हाँ हाँ जिमी करा लिए, चलो यार निकलो अब। हाँ जी पापा ठीक है। पापा मुड़ जाओ ना इधर से। हाँ हाँ मुड़ना है यार, शिपमेंट लेने जाना है, डॉक्स का रास्ता भूल गए हो? नहीं नहीं पापा यार है, थोड़ा बहुत यार्ड है। हाँ ये देखो ना तुम्हारी ये जो हरकतें है ना, तुम अगर शुरू से मेरे साथ शिपमेंट लेने आते ना, अभी तक तुम्हें यूँ रास्ते सही याद होते। अच्छा अच्छा पापा बताते रहे ना, इसमें क्या बात है? अच्छा ठीक है, बस ध्यान से चलाओ, ज़्यादा भगाओ ना मेरे साथ ना, अपने आप को कंपेयर ना किया करो। ठीक है जी जी पापा, ठीक है ठीक है। और जिमी साइड से निकाल लो यार, अब इनके पीछे ही खड़े रहना है। जी जी पापा मैं निकाल रहा हूँ निकाल रहा हूँ, मैं वैसे भी निकालने लगा था। हाँ वैसे भी जब मैं बोलूँ तो तुम्हें फिर याद आया, पहले तो तुम्हें याद नहीं था, पहली साइड पे करके निकाल लेते ना। अच्छा ना पापा आगे निकाल लूँगा बाइंडा। हाँ अब चलो यार सीधा आगे से, यहाँ से राइट होना है। जी जी पापा ठीक है ठीक है। तो राइट होना था, क्यों भगाइए यार फिर इतनी? अच्छा ना पापा मैं गाड़ी रोक देता हूँ साइड पे, ठीक है आप चला लें, आ जाएं। चलाओ यार चुप करके जिमी, अब सीधा ही जाओ यार उधर डॉक्स ही। अच्छा अच्छा पापा ठीक है, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। वैसे पापा एक बात है। क्यों? क्या जिमी बात तो बताओ पहले। पापा ये जो गाड़ी थी पहले कैसी थी, और देखिए अब हमने इसे कैसा बना दी है। हाँ जिमी नो डाउट यार, गाड़ी तो मैं कहता हूँ इतनी कमाल बन गई है। मैं पहले भी यार यही बात कर रहा था कि जब से ये गाड़ी आई है ना, सच्ची बात है अपनी वो जो लेक्सस है उसको मुझे चलाने को दिल ही नहीं करता, अब ये इतनी प्यारी, मज़ा है इस गाड़ी को बड़ा। हाँ जी पापा ये तो बात है। वैसे इसकी जो एक्सीलरेशन और ग्रिप चेक करें। बस जिमी स्लो हो जाओ यार, चौथे गियर पे जा रहे हो, उधर आगे मोड़ है। नहीं नहीं पापा टेंशन ही ना लें, इस गाड़ी में इतने ऑप्शन है, पूरी देखे लेन में रह के चलती है। अच्छा अच्छा ठीक है चलो अब अंदर, मुझे ज़्यादा तुम सिखाने वाले आए हो। ओ अच्छा अच्छा छोरी पापा छोरी, ठीक है साइड से निकल जाओ। जी पापा ओ साइड से जिमी, लेफ्ट साइड से यार। ओ अच्छा अच्छा पापा अपने साइड का है, तो साइड होती है राइट या लेफ्ट, तुम सीधा बीच में ले आए हो उसे। अच्छा अच्छा पापा साइड पे कर रहा हूँ। हाँ साइड से निकालो इधर बस। जी पापा निकाल लिए, गाड़ी पे गुस्सा ना उतारो ना, ठीक है जैसे भी तुमने पीछे स्किट किया ऐसे ना करना बाद में। और छोरी पापा वो समझ नहीं आई, फ़ौरन एक्सेलरेटर दबा दिया मैंने। हाँ मैं तुम्हारी समझ को जानता हूँ ना, आराम से बात की है तुमसे मैंने, आराम से करो, गुस्सा ना उतारो गाड़ी के ऊपर। अच्छा अच्छा पापा नीट आटा, इधर लगाओ ना गाड़ी बाहर ही, पूछूँ पहले जाके ज़रा अंदर, शायद शिपमेंट खड़ी है इधर ही। जी पापा ठीक है मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता मैं पूछ के आता हूँ। अच्छा पापा ठीक है। तो इससे यार उतरने का इतना शौक होता है, कोई बंदा है यार इधर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम यार, वो मेरी शिपमेंट आई हुई है 125 की। जी आपकी माइकल सर, आपकी 125 की शिपमेंट पीछे खड़ी है कंटेनर के पास। चलो ठीक है यार मैं पूछ लेता हूँ। जी सर ठीक है। ये देखो यार
इसको कहा भी है जब गाड़ी थोड़ी देर खड़ी करते हो बंद कर दिया करो। जी जी पापा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यार जिमी, इधर शिपमेंट नहीं है। फिर पापा इधर ना खड़े हो? नहीं नहीं इधर ही खड़े रहो, अभी वो हलवा बांटने लगे हैं, खा के जाएंगे। अच्छे अच्छे पापा निकाल रहा हूँ। अब तो गुस्से ही हो गए, आराम से पूछा है। यार जिमी तुम्हें पता होना चाहिए जब मैं कह रहा हूँ कि शिपमेंट नहीं है इसका मतलब है आगे कहीं जाना है। अच्छा अच्छा सॉरी पापा, पता नहीं क्या हो गया आज आपको। ठहरो यार जिमी देखने तो यार, इधर अब कहीं खड़ी होगी शिपमेंट कंटेनर के पास ही। ये खड़ी है जिमी, स्लो यार, कितनी भगाई दी है तुमने, वो पीछे खड़े हैं बाइक। अच्छा अच्छा सॉरी पापा। ये तो यार क्या यार फजूल आज के दिन है, एक तो इतनी मेरी बेइज्जती हो रही है सुबह से। उधर लगाओ जिमी, आगे यार राइट साइड पे। अच्छा अच्छा पापा ठीक है, इधर लगा दूँ? नहीं उसके ऊपर चढ़ा के लगाओ, कंटेनर के ऊपर। अच्छा अच्छा पापा लगा दिए। चलो उतरो अब यार, पूछ के आऊँ जरा इससे मैं। अच्छा अच्छा पापा ठीक है, चलें आ जाएँ, बस खड़ी रहे इधर ही। चलें पापा आ जाएँ। हाँ जाके यार मैं पूछता हूँ, बाइक तो सामने खड़े हुए हैं। हाँ जी पापा पूछ रहे, शायद हमारी शिपमेंट की ना ही हो। नहीं हमारी है यार, ठहरो मैं पूछता हूँ जाके उससे। एक तो इनके भी यार अजीब काम है, इतने दूर खड़ी की हुई शिपमेंट, भाई तुम इधर खड़ी करो, सीधा जाओ, वो तुम लोगों का गैराज बना हुआ है। खैर शिपमेंट यार मुझे चेक करने दो, कितने बाइक हैं? हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाइक तो ठीक है यार। एक ब्लैक में, 3 ब्लैक थे 3 रेड, अप्लाइड फॉर है, ठीक है। पंजाब की प्लेट हाँ लगी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान से आए ना इसलिए पंजाब की प्लेट है। चलो इस बंदे से पूछता हूँ। चल ठीक है। D38 जी वालेकुम अस्सलाम। यार एक मेरी ये शिपमेंट आई हुई है ये 125 की। D38 माइकल नाम है आपका? जी बिल्कुल माइकल नाम है। D38 बिल्कुल आपकी शिपमेंट ही है। चलो यार मैं एक दफ़ा इसे चेक कर लूँ। D38 बिल्कुल आप तसल्ली चलें। चलो मैं चेक करता हूँ, आ जाओ जिमी यार बाइक देखो ये। जी पापा मैं हाँ यार बाइक तो ठीक है। अच्छा ये मैंने लेके भी जाने हैं। D38 आप तो ट्रक दिखा देता हूँ मैं। हाँ चलो जाए ना सर आप इनके साथ, ठीक है बाइक आपको ये लोड कर देगा। चलो ठीक है यार, पहले मैं जरा एक ट्रक पे नज़र मार लूँ कौन सा है। हाँ जी जाए यार दिखा सर को। तेले ठल आप मेले ठाट आ दें, वो लोड के पाल ट्रक ठले हैं। चलो ठीक है यार आ जाओ। तेले ठल आप चले, ठीक है आ जाओ। चलो देखता हूँ यार अब कौन सा ट्रक लेके जाएँ, क्योंकि एक तो यार ट्रक का रेंट बढ़ा लेते हैं। अरे कोई ट्रक तो नहीं आ रहा इधर से, जरा रोड क्रॉस कर रहा हूँ ना। अच्छा एक ब्लू वाला है, वैसे ही पहले भी यार मैं ये ब्लू वाला ही यूज़ करता रहा हूँ जब भी मैंने शिपमेंट लेके जानी होती थी। अच्छा ये ब्लू वाले का क्या रेंट चल रहा है आजकल? ठल ये ब्लू वाले पे हम आप तो ले जाएंगे 5 डाल में। अच्छा और ट्रक भी है? D38 एक रेड वाला है ठाट, वो देख ले आप। अच्छा रेड वाला मैं देख लेता हूँ कौन सा है। ओहो नहीं यार रेड वाला तो बहुत छोटा है, ऐसे मेरे ख्याल से यार 5,000 ठीक है, ये ब्लू ट्रक ही ले जाते हैं। यार ठीक है फिर ब्लू पे ही लोड कर दो सारे। D38 ठीक है मैं लोड डाल देता हूँ। ड्राइवर आप ही हो? D38 ड्राइवर भी मैं ही हूँ। चलो ठीक है आ जाओ यार फिर बाइक लोड कर दो। D38 मैं आ लूँ। चलो ये अब मेरे ख्याल से ट्रक इधर लाएगा ना, फिर उसको लोड करते हैं। जिमी आओ यार बाइक ज़रा टेस्ट करें। जी पापा मैं आ रहा हूँ। ठहर आप ड्राइव टेस्ट डाल लें, ठीक है तो फिर आप आएंगे फिर मैं लोड डाल दूंगा। चलो ठीक है यार ठीक है। वैसे पापा ये कैसे बोलते हैं? जिमी छोड़ दो यार ऐसे मजाक नहीं बनाते किसी का। ओ अच्छा सॉरी पापा सॉरी। हाँ वैसे जिमी बाइक तो यार ठीक लग रहा है मुझे। जी पापा बाइक तो बड़ा कमाल है वैसे, क्या साउंड है, बिल्कुल वही भुर वाली साउंड है ना। हाँ जिमी वही है। ठहरो यार ज़्यादा ना ही भगाऊ ना, नया बाइक है यार 0 मीटर। हाँ जी पापा ज़्यादा ना भगाएं, क्योंकि मैंने सुना है पापा नई बाइक को ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ जिमी ऐसे नहीं करना चाहिए ना। वैसे पापा एक काम करना ने, इसको खड़ा करके थोड़े से रेव करना है, इसकी बुर वाली साउंड बड़ी मजे की है। ठहरो यार जिमी मैं ज़रा इंडिकेटर्स और लाइट इसकी चेक कर लूँ। जी पापा आप चेक कर लें। हाँ ठीक है यार इंडिकेटर तो है, बैक लाइट कैसी है, ठीक है मीटर की लाइट भी है। अच्छा पापा एक और दफ़ा रेव करें ना प्लीज़ पापा, ये साउंड बहुत मजे की है। नहीं जिमी अब एक और दफ़ा ना करना यार, न्यू बाइक है। अच्छा पापा ठीक है। चलो भाई आ गए। D38 आप वहाँ पे ठहरने हैं? हाँ मैं आ गया हूँ यार। चलो आप फिर बाइक लोड कर दो अब। D38 मैं लोड करता हूँ ठीक है? हाँ ठीक है यार लोड करना ज़रा आराम से। D38 ठीक है। चलो जिमी आ जाओ यार अब उसका काम है, वो लोड कर लेगा। जी पापा मैं आ रहा हूँ। मेरे ख्याल से यार ट्रक इधर ही लाएगा। ट्रक किधर लेके आएंगे भाई वो? चलो यार अब ये बाइक तो लोड डलता हूँ। बाइक तो वैसे सीधी 125। अच्छा पाकिस्तान से आया शायद ये, बड़े मजे का बाइक है यार। ओहो ठहलो यार लेट मिनट इट्स तो इधर ही पाल चलता हूँ ना, टला टूटल ले जाता हूँ। हाँ इतना जरा लोड इन मेले लिए अठानी हो जाएगी तो इतना भी थाले बाइक मुझे इधर लेते आने पर लेंगे ना। चलो टला टो ना मैं उधर ही ले जाता हूँ। चलो ठहलो यार इसको ठाइट पे ला डाटा हूँ ना, क्योंकि लेड वाला टलट तो इसने पीछे टाल दिया है। असल में ना आज टलेल नहीं है तो इस वजह से फिर हमने लेड वाला टलट इधर ढला दिया हुआ।
टेलो 8 मिनट। बस ठीक है भाई, इधर ही दीदी ठाल 8 मिनट मैं ठीडी टाल लूँ इसे। इतो मैं ठीडा टाटे ला लूँ ताकि टेलैफे फिर खराब ना हो ना। चलो अब मैं बाइट लोड करता हूँ, पहले ये वाला बाइट बोट पाल है वो ठहलो डेली नहीं लाया टूट भाई। कैसे लोड करेंगे दीदी ठाल 8 मिनट आप ठहले, मैं ना वो फटा लेते आता हूँ तो फटे लाटे फिर लोड टलूँगा। चलो ठीक है, पहले ठाल मैंने लडा दिया फटा मैं लोड टाल देता हूँ। हाँ ठीक है टैट टोलो बैठा, अब हमने फटा लडा दिया है क्योंकि जब हमने बाइट लोड टलने होती है ना तो तब हम ये फटा लडाते हैं। दो नाटी हैं तो फटा लाद भी जाता है, और जब डाली हमने लोड टलनी हो ना फिर यार थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि इसका जो बेड है ना ये नीचे नहीं आता। चलो बस इसको पार टलता हूँ ना जल्दी। चलो मैंने टाले बाइट लोड तो टाल दी है बट इत लाट तो लाता हूँ और फिर लेट नहीं टलता हूँ यार ये बाइट। चलो बैठी एक आपट की बात है, बाइक मोट मजे थे हैं इतना पाकट है ये छोटा था बाइक है बड़ा बड्डे था इसका बाइक है। चलो एक मैं पता टाइट पे टाल दूँ ना डला, बाइक तो बांध दिया मैंने शाले। चलो बट पता टाइट पे चलता हूँ अब पे मैं निकलते हैं बट। हाँ जी लोड हो गए दीदी ठाल लोड हो रही है बट दो मिनट दे मैं फटा उठाते लाडू टाइट पे। चले ठीक है सही चेक करके लोड किया ना दीदी ठार आप टेंशन ना ले बांध दिए। चलो ठीक है यार, वैसे क्या बाइक है यार है? कितने कमाल बाइक्स लग रहे हैं 125 बड़े मजे के बाइक लग रहे हैं यार ये तो। हाँ बांध तो दिया यार वैसे ठीक है यार इसने। चलो पापा यार उससे कोई बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है वो कोई मसला नहीं आप मेरे पीछे पीछे आ जाइएगा। डी ठार ठीक है जिमी यार गाड़ी ले आओ जरा इधर। जी पापा मैं ले आता हूँ। चलो मैं जरा गाड़ी मोड़ के उधर लगाता हूँ ना भाई साहब। आप जिमी ड्राइवर है ना, जिमी तो यार शौक से जरा गाड़ी ड्राइव करता है और वो भी यार ये वाली गाड़ी हो वैसे भी क्या बात है कमाल गाड़ी है यार ये तो। ए चलो बस इधर ही पार्क करता हूँ, पापा इधर ही आ जाएंगे यार अभी मेरे ख्याल से शायद उससे ना कोई रेट फिक्स कर रहे हैं। चलो ठीक है यार भाई ठीक है यार बांध दिया ना बस मुझे डर लग रहा है। नहीं ठल आप टेंशन ना लें मैंने बड़े अच्छे अच्छे बांध दिए। चलो ठीक है यार फिर आ जाओ हमारे पीछे पीछे। डीडी ठल ठीक है आप निटले ठीक है यार फिर फॉलो करते रहना। डीडी ठल ठीक है चलो यार ये पीछे पीछे आ जाएगा फाइनली। यार बाइक्स तो आ गए हैं, बाइक्स तो नो डाउट यार काफ़ी अच्छे हैं वैसे। चलो जिमी यार आराम से निकलना इधर से ठीक है, इसको रास्ता नहीं पता। जी जी पापा ठीक है वैसे पापा बाइक बड़ा कमाल है ये 125 है ना। हाँ जिमी बाइक तो यार बड़ा फिट है पापा इसका, वो कितना मजे का वो जो एक्सीलरेटर है ये जिमी इसकी बात नहीं है, ये सारे जो भी बाइक्स होते हैं इसके एक्सेलरेटर ऐसा ही होता है। अच्छा पापा लेकिन बाकी जो बाइक्स देखे थे उसमें मैंने शिफ्ट किक होती है जो CD70 आकिब भाई वाला है। हाँ जो आकिब वाला है उसमें CD70 में किक है और ये जो है इसमें वो पुश टू स्टार्ट भी है ना। हाँ जी पापा मैं वही देख रहा था वो रेड शा जो बटन है वो पुश टू स्टार्ट वाला। हाँ वही जिमी ये जो न्यू मॉडल है ना इसमें ये आता है। अच्छा पापा सही वो देखो जिमी यार तोड़ दिया, तो बातों में तुम्हारा ध्यान होता है ना। वो शोई पापा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ कुछ नहीं, थोड़ी देर वेट कर लेते बैरियर खुल जाता फिर। ओ पापा कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिटार जो रहूँ आपको। अच्छा चलो ठीक है आप चलो ना। अच्छा पापा आपने ना मुझे यार बाइक चलाना सिखाना है ठीक है ना, क्या बोले हो दोबारा एक दफ़ा बोलना। अच्छा पापा आपने ना मुझे बाइक चलाना सिखाना है। नहीं इससे पहले आप कुछ और एक लाइन बोले थे बीच में वर्ड। कुछ नहीं पापा यार जिमी ये क्या यार यही तो कह रहा हूँ यार जो बीच में लगाए यार हूँ मैं तुम्हारा। वो सॉरी पापा वो मुँह से निकल गया ना वो असल में बोलता रहता हूँ ना ऐसे इस वजह से। अच्छा चलो ठीक है यार सिखा दूंगा थोड़ा सा टाइम निकाल के ना किसी दिन। वैसे पापा ये जो न्यू बाइक है पेशकश की बाइक पे सिखाएंगे और कर लेंगे यार जिमी कर लेंगे। पापा मुझे बड़ा शौक है ना क्योंकि बाइक सीखने का। ठीक है जिमी सिखा दूंगा यार। पापा आप ही मुझे यार कह रही हैं, मैं जिमी जो भी बोलूँ मेरी मर्जी है यार वो। अच्छा पापा ठीक है किधर रह गया वो बंडा जिमी, मेरे ख्याल से यार थोड़ा सा पीछे रह गया। काम करो ना आगे राइट साइड पर गाड़ी रोक लो ठीक है, उसका वेट करते हैं। हाँ जी पापा ठीक है क्योंकि हमारी शिपमेंट है ना यार हमारा ही नुकसान है। रोक लो ना। जी पापा मैं रोक रहा हूँ बस रोक लो इधर क्योंकि हमारा ही नुकसान है ना यार, शिपमेंट तो वो हमारी लेके आ रहा है। जी पापा मैं समझ सकता हूँ ठीक है मैं इधर वेट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है देखते रहो यार नज़र आ रहा है। पापा अभी नज़र तो नहीं आया वैसे ट्रक में ठहरे देख तो रहा हूँ। जी पापा आ गया वो पीछे आ रहा है। चलो ठीक है बस निकल जाओ अब। हाँ जी पापा मैं निकल रहा हूँ, जल्दी निकलो ना यार उसको ताकि ब्रेक ना लगानी पड़े। हाँ जी पापा ठीक है निकाल लो जिमी निकल जाएगी। हाँ जिमी निकाल लो यार। अच्छा पापा ठीक है निकाल लिया। हाँ चलो वो आ जाएगा यार पीछे आ रहा है। पता नहीं पापा स्लो हो गया था पीछे शायद इसलिए वो बहुत पीछे रह गया पहले।
बस ठीक है अब उसे आगे पहुंच जाएगा, उसने गाड़ी देख लिया ना हमारी। हाँ जी पापा, अब उसने गाड़ी देख ली है। ये पापा वही जगह है इधर जाओ पुलिस की चेक पोस्ट लगी हुई थी। हाँ बिल्कुल जिमी, याद है मुझे। चलिए पापा बस शोरूम चलती है ना फिर सीधा, ये भी आ जाएगा वहीं। हाँ चलो बस आराम से चलो जिमी, अंदर ही ले जाओ ना यार उसे, पार्क करो फिर वो ट्रक वाले तो पीछे पीछे आ रहा है। हाँ जी पापा, वो आ रहा है पीछे। चलो अंदर ही ले जाओ, आगे लगा दो। जी पापा ठीक है। ओए क्या हुआ है पापा, ये कितने प्यारे रिम्स हैं क्रोला पे, ये मेरे फेवरेट रिम्स हैं। देख लो जिमी कौन से रिम्स पापा, ये वाले जो लगे हुए हैं। ओए ये तो पापा मेरे फेवरेट रिम्स हैं पापा, ये रिम्स मैं लगा लूँ अपनी गाड़ी पे, मुझे बहुत पसंद है। लगा लो जिमी, ये तो वैसे भी यार सेल होने आई है गाड़ी। बस पापा ठीक है, ये मैं ना फिर कल लगा लूँगा अपनी गाड़ी में, ठीक है। ये अभी गाड़ी ले आऊँ जाके? नहीं जिमी इतनी जल्दी नहीं है यार, अपना ही शोरूम है, कल लगा लेना ठीक है। जी पापा प्लीज़ पापा मुझे दे देना रिम्स, ठीक है। टलो मैं तो टिपमेंट लेते टोंट दे मिले टालते वो माइटल टल अंडल टल ले दें, टलो इधर लेवल टल टल लाता हूँ ना क्यों टे उन्होंने मुझे टाट आते आपने ना बाई टू टालने भी हैं। टलो अंडल तो ठाए नाई डायट लाट, टलो इधर ली पाल टाल देता हूँ थोड़ा थोड़ा डिलाइव कर लूँ ना बाई ठंडा टलो ना ऐठे तो नहीं होता ना। टलो इधर पाल टलता हूँ आधे टलते टाटे थोड़ी सी यार डिलाइव मडा ले लें हम। चलो अब डल बाइट उटालते हैं बाइट, अब नीते टूटे अब उटालने के लिए हम फटे थी रूल नहीं है, अब हम ऐठे उठे उटाल लेंगे देखना ना, क्योंकि फटे थे डैल मैं इतने ऐठे उटालूँगा। टैट टलना आप लोड टैट टलना भाई, ध्यान से ठल टूट नहीं हुआ, टूट भी नहीं हुआ। चलो अंदर लगा दो डी ठल, ठीक है। चलो अब अंडल डेटे डाटा हूँ, कोई इधर टू बंदे ठले ठहलो ठुलो ठुलो इटे लाऊँ ठाए ठोलूम टे डंडे इधर डाला डाऊँ ना ही ना, नहीं तो ये पटल लेंदे तो मुझे। चलो ओ दिल दे दिल दे दिल दे दिल दे जल्दी से उठाऊँ। चलो टूटल है बाटी रो रोडी है, नहीं तो इस बंदे ने देख लेना था इधर ठीक निकल जाता हूँ जल्दी थे, नहीं तो इसको ये ना ना पट्टा टल जाइए मुझे लौट लेता फिर। चलो अब दूठला जला अलार्म ठीक उठा लूँगा, पार कर दिए अंदर डी ठल मैंने पार टल दी है। चलो अब ये वाला भी ले जाओ। चलो जिमी आ जाओ यार, अब लास्ट पीस जरा हम खुद पार्क करें ना। हाँ जी पापा बिल्कुल, बाइक का वैसे मज़ा तो लेना चाहिए ना फिर हमें भी। हाँ ना जिमी यही तो बात है, वैसे यार पब्लिक पसंद बड़ा करेगी ये बाइक। हाँ जी पापा बाइक है ही इतना अच्छा। खैर जरा आकिब को चेक कराऊँ बाइक जाके। पापा आकिब भाई तो पीछे खड़े हैं, किधर पापा उठे मुझे अंडर नजर आए थे। ओ हाँ सॉरी यार मुझे याद नहीं रहा, चलो मैं इसको अंदर ले जाता हूँ। वैसे यार दिल चाह रहा है इसको गाड़ी ले जाऊँ, क्यों नहीं पापा गाड़ी ना ही लेके जाए ना, फिर गाड़ी भी तो है, तो गाड़ी आप ले आना। चलो खैर छोड़ो यार, फिर किसी दिन ले जाएंगे, वैसे बाइक अच्छा है काफ़ी। हाँ जी पापा ठीक है, फिर किसी दिन कार लेना। चलो ठीक है। हाँ जी माइकल भाई ये बाइक है। हाँ ये बाइक है यार, 125 चेक की है। हाँ जी माइकल भाई कमाल बाइक है, क्या बात है, चेक करना 0 मीटर बाइक है, स्लेंसर देख रहे माइकल भाई बहुत A1 चीज़ मंगाई है। चेक करना यार फिर, बाइक तो यार बहुत अच्छे हैं। आप लोग बताओ यार आप लोगों को ये बाइक कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो यार ये बाइक अच्छा लगा था, फिर इस वजह से मैंने इसकी शिपमेंट मंगा ली। और बाकी यार जहाँ तक बात है तो ये पाकिस्तानी द गेमर का मोड है CG125 का, तो उनके चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, तो उनको ना आपके जाके ज़रा ज़रूर चेक करना है। हाँ जी पापा बस रिम्स डन कर देना। ओ हाँ ना जिमी यार अब छोड़ भी दो जान, सादिक साहब फिर चलें हम निकलते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। ओके सर ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। जिमी एक मिनट ठहरो यार मैं आ रहा हूँ ज़रा। हाँ जी पापा ठीक है। अरे ठहरो यार, एक यहाँ से पेपर मैंने एक रखा हुआ था इधर, बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है यार, वो किधर गया है, इधर रखा था यार। पापा क्या ढूंढ रहे हैं यार? जिमी एक पेपर था, ठहरो यार पता नहीं किधर गया है। सादिक साहब वो आपने पेपर उठा लिया था टेबल से? जी सर वो मेरे पास है। चले ठीक है, वो अपने पास ही रखें। ओके सर ठीक है। अब पापा आप चलाएंगे? हाँ ना जिमी बस पैसे पूरे हो गए अब आपके। अच्छा जी पापा ठीक है, अब ज़रा मैं ड्राइव करता हूँ ना यार थोड़ा इसे। हाँ जी पापा ठीक है। वो इसकी यार बल्ब भी चेंज कराने हैं ना आकिब से। ओहो जी पापा मुझे याद है, अभी आप ना हाई लाइट ना करना, बस आप लो पे रखें तो लो पे इसकी ये ब्लू लाइट ही चलती रहेगी। हाँ ठीक है, कल आकिब को देना ना यार वो बल्ब ला के, तो वो कर देगा। जी पापा ठीक है, आकिब भाई को बोलेंगे वो कर लेंगे। हाँ ठीक है बस चलो अब निकलते हैं ना यार जाके, अफ्तारी करें घर जाके। हाँ जी पापा ठीक है। अच्छा पूरा दिन निकल गया है ना? हाँ जिमी ज़ाहरी बात है यार, जिस दिन शिपमेंट लेने जाओ उस दिन तकरीबन पूरा दिन ही निकल जाता है। जी पापा यही बात है बिल्कुल। चलो अब घर जाके यार अफ्तारी करते हैं ना, फिर से थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, तो आज थक गए हैं यार बिल्कुल।
जी जी पापा, ये बात तो है वैसे, बाइक ले आते तो जरा मजा से थोड़ा ये है। हाँ मैंने तो कहा था कि घर ले जाऊँ, आपने कहा नहीं नहीं फिर किस दिन ले जाना। चले पापा खैर है, अभी बाइक हमारे पास नहीं है, फिर किसी दिन हम घर भी ले जाएंगे ऐसे, क्योंकि वैसे भी आपने मुझे जब सिखाना है तो फिर हो सकता है हम दोनों बाइक घर ले जाएं। हाँ दोनों ले जाएं, हम उन बाइक के मालिक हैं ना, वो मैंने सेल करने के लिए मंगाए हैं, वो अपने यूजेज बाइक नहीं है। ओ अच्छा अच्छा पापा, वैसे एक बात कर रहा था, नॉर्मल बात। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा पापा बात सुने। हाँ हाँ जिमी बोलो क्या हुआ है। पापा बस वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया। ओ हाँ शुक्र है जिमी याद करा दी, मैं भूला हुआ था। जी जी पापा, खैर चलो भाई आज की वीडियो के जरिए ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना। मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।